नमस्कार, एवन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं चिरंतन कोठारिया आपको राजस्थान बोर्ड 12th मैथमेटिक्स 2015 का पेपर कराऊंगा। इस पेपर में चार सेक्शंस हैं, ए बी सी डी। चारों ही सेक्शन अलग तरह के से अटेम्प्ट किए जाते हैं, अलग तरह के सॉल्यूशन है सबके। तो हर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट है उसे नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आरबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2015। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स माइनस हाफ माइनस sin इनवर्स हाफ। तो आप बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sec नेगेटिव होता है लेकिन sin पॉजिटिव। तो वो क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम जो वैल्यूज लेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट के लेंगे। अब sec इनवर्स माइनस टू कब होता है? पाई माइनस पाई बाय थ्री पर। माइनस साइन थीटा हाफ कब होता है? पाई माइनस पाई बाय सिक्स पर। पाई से पाई कैंसिल, माइनस पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स हमारा आंसर हो गया है। If 2a plus b is 3 minus 1 to 4 and b is equal to minus 1 minus 5 0 2 then find a. A निकालने के लिए हमें 2a plus b में से b को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा? 2a is equal to 3 minus minus 1 4 minus 1 plus 5 4 2 minus 0 2 4 minus 0 2। तो a आ गया हमारा 2 1 2 1। सिंपल क्वेश्चन नंबर थ्री। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड ए बी ट्रांसपोज। पहले हम चेक करेंगे क्या हम इस ए को और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इनका ऑर्डर लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 14। हमारा ए बी आ गया, हमारा ए बी 14 है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, एक नंबर का ट्रांसपोज भी वही होता है। तो ए बी ट्रांसपोज भी क्या आ गया? 14। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x रूट dx। 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर x। ये हो गया रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। तो हमारा आंसर आ गया रूट 2 साइन x प्लस। क्वेश्चन नंबर 5, एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको अरेंज कीजिए, y के टर्म्स y के पास ले आइए, x की टर्म x के पास। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर होता है tan इनवर्स x। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप इस सी को लिख लीजिए, इसकी जगह आप लिख लीजिए टेन इनवर्स सी, वो भी एक कांस्टेंट है। तो हमारा वाई क्या आ जाएगा? एक्स प्लस सी ऑन 1 माइनस एक्स, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली and a dot b is 1, find the angle between these two vectors. cos theta is equal to a dot b upon ab होता है। cos theta is equal to a dot b is 1, magnitude of a और magnitude of b हमें दे रखा है 1 and 2, cos theta is half, theta is equal to pi by 3. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर है तो पॉइंट हो गया
एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, ये डायरेक्शन रेशियो है, ये पॉइंट हो गया उसका, उसके कोसाइन क्या हो गए, एक्स अपॉन एक्स, इसको आप रेशियो लिख दीजिए, एक्स अपॉन एक्स इज वन जीरो जीरो। क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। आपको एक पॉइंट से अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जेड माइनस सिक्स प्लस सी स्क्वायर। ये मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस सिक्स अपॉन रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का मॉड, विच इज इक्वल टू सिक्स बाय थ्री। ये हमें बस डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। शो द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स, टू एक्स प्लस वाई लेस देन सिक्स। आइए पहले चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। कैसे चेक करते हैं, टू एक्स की जगह और वाई की जगह जीरो पुट कीजिए, सो इट इज ट्रू। अब आइए इनकी वैल्यूज भी निकालते हैं। देखिए एक्स जीरो पर वाई सिक्स है, एक्स वन पर वाई फोर और एक्स टू पर वाई टू। आइए इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जीरो सिक्स वन फोर टू टू। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें, अगर ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो कॉमा सिक्स वन कॉमा फोर टू कॉमा टू, इसको आप मैच कर दीजिए, ये आपका रीजन आ गया। क्लियर। पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर रेड। देखिए कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने दो पत्ते निकाले एक के बाद एक और दोनों ही रेड हो। देखिए हमने जब एक पत्ता निकाल लिया तो पत्ते कितने बचे, 51, और मान लेते हैं पहला वाला रेड था तो रेड कितने बचे, 25। ये हमारा गिवन ऑब्जर्वेशन है, अपॉन हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हम यही लिख देते हैं कि दोनों रेड हमने निकाल ली, प्लस अब ये मानते हैं पहला वाला तो रेड था लेकिन दूसरा वाला ब्लैक, तो ब्लैक तो 26 ही बाकी है अगर पहला वाला रेड था तो। एक चांस और मांगते हैं कि पहला वाला ब्लैक और दूसरा वाला रेड, और तीसरा चांस पहले वाला भी ब्लैक और बाद वाला भी ब्लैक। तो ये हमारे टोटल ऑप्शंस हो गए, चार ऑप्शन हो गए ना, रेड रेड ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 52C26 हम क्या लिख सकते हैं, 52 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 51 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 26 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल
multiplied by 51 factorial upon 26 factorial into 25 factorial plus 52 factorial upon 26 factorial into 26 factorial 51 factorial upon 26 factorial into 26 factorial plus 52 factorial into 51 factorial upon 26 factorial into 26 factorial ये 25 होगा एंड 52 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल इनटू 26 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल इनटू 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में। अगर हम ये सब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था लेकिन कॉम्बिनेशन से सीखेंगे तो हमेशा आपके काम आएगा। अब तक हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए वन मार्क क्वेश्चन था। अब हम सेक्शन बी पे जा रहे हैं। सेक्शन बी थोड़ा सा लेंदी है तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करना है ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट है उसे नोट कीजिए। इफ फंक्शंस एफ जी इज टू आर टेंड्स टू आर आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री देन फाइंड एफ ओ जी जी ओ एफ एंड जी ओ जी। आइए सबसे पहले एफ ओ जी निकालते हैं। एफ ओ जी का मतलब एफ जी एक्स, मतलब जहां एफ में एक्स है वहां आप लिख दीजिए जी एक्स की वैल्यू। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टेन। सिमिलरली जी ओ एफ एक्स, मतलब एफ की वैल्यू जी की जगह पुट करनी है तो एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री विच इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। लास्ट इज जी ओ जी थ्री इज इक्वल टू टू ब्रैकेट 2x minus 3 minus 3 is equal to 4x minus 9 x की जगह आप 3 पुट करेंगे 4 3 is 12 12 minus 9 is equal to 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट 2 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31 बाय 17। 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 4 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7 एज इट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 बाय 3 प्लस 10 इनवर्स 1 by 7। Now, 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy। 10 inverse 4 by 3 plus 1 by 7 upon 1 minus 4 by 3 multiplied by 1 by 7। So it is equal to 10 inverse 31 by 21 upon 17 by 21। हमारा आंसर आ गया 10 inverse 31 by 17। हमें यही प्रूफ करना था, hence proved। If A matrix is 1 2 2 2 1 2 2 2 1
and a square minus 4a is equal to ki3, then find the value of k. I3 is the identity matrix of order 3. हमारा a है 1 1 1 2 2 2 2 2 2. हमें प्रूफ करना है a k की वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन है a square minus 4a is equal to ki3. तो अब देखिए a square सबसे पहले हम निकालेंगे 1 1 1 2 2 2 2 2 2, इसी को मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो गया 1 1 जा 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 2 4 प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस 1. ये हमारा आ गया 9 8 8 8 9 8 8 8 9. ये हमारा a स्क्वायर आ गया. अब आइए हम 4a निकालते हैं, माइनस 4a निकालते हैं. a स्क्वायर माइनस 4a, 9 माइनस 4 इज 5, 0 0 0 5 0 0 0 5, which is equal to 5 1 1 1 0 0 0 0 0 is equal to 5 i3. तो हमारा k क्या हो गया, 5, k is 5. ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 14, show that the function fx is equal to 3 minus x to 1 plus x is continuous at x is equal to 1. देखिए कंटिन्यूटी की एक कंडीशन है कि LHL should be equal to fx should be equal to RHL. आइए पहले इन तीनों को चेक करते हैं. LHL 3 minus x, x की जगह में 1 पुट करना है. fx हमको 2 गिवन है एंड RHL 1 प्लस x, x की जगह 1. तीनों ही आंसर 2 हैं, तो LHL इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस. क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x plus 1 at the point x coordinate is 1. Also find the equation of normal at the same point. तो आइए सबसे पहले स्लोप निकालते हैं. स्लोप मतलब dy by dx. तो x cube का 3x square, x का 1 and 1 का 0. x coordinate हमको 1 given है, तो हमारा स्लोप आ गया 3 minus 1. ये हमने फर्स्ट पार्ट को आंसर कर दिया है, लेकिन हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है. तो आइए पहले y भी निकाल लेते हैं. 1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1. तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx x माइनस x1. तो y माइनस y1 क्या है, 1. dy बाय dx हमारा आया 2 x माइनस 1. तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1. तो हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. अब तक हम सेक्शन ए और बी कर चुके हैं. सेक्शन सी पे आते हैं. तो सेक्शन सी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ए और बी के मुकाबले टिपिकल हैं और थोड़ा हमको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि
क्योंकि इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला, स्टेप, एक एक चीज पर ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो कैसे, कौन सा स्टेप हम यूज कर रहे हैं, आप ढंग से एनालाइज कीजिएगा, ढंग से ऑब्जर्व कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। आइए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x आ गया 2। एंड f डबल डैश x इज इक्वल टू 2। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, देन इट इज द केस ऑफ मिनिमम। तो 2 पे हमारा जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिनिमम आएगा। एफ एक्स की आप वैल्यू पुट करें तो 2 स्क्वायर माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 4। मिनिमम वैल्यू उसकी 4 है। तो मैक्सिमम हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। लिमिट है हमारे पास 1 से 5, तो मैक्सिमम अब बी पे ही होने वाला है ये। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8, 25 माइनस 20 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 30। क्लियर। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। देखिए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पैटर्न क्या यूज करना है। जैसे e की पावर x के बारे में हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, तो हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम e की पावर x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नजर आ जाए। e की पावर x को अगर हम t मानते हैं तो e की पावर x dx आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी ब्रैकेट टी माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी। तो हमारा आंसर आ गया लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू है ई की पावर एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमें रूट में दे रखा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसको तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आप 9 को आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। 9 पहले माइनस कॉमन लीजिए आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 9 माइनस, अब इसको मैं आप 16 ऐड करें और 16 ही माइनस, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 25 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हमारा आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स x की जगह आप लिख देंगे x माइनस 4, a की जगह आप लिख देंगे 5 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19, find the area enclosed by the ellipse x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1. So x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1, ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। तो आप पहले एलिप्स बनाएं कि हमें एलिप्स का एरिया निकालना है। ये पॉइंट है हमारे पास 5, 0, 0, 4। हम एक काम करते हैं कि हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारा कंप्लीट एरिया हो जाएगा। देखिए, अब x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 अपॉन 16, तो हमारा y आ गया 4 बाय 5 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई डी एक्स, ये 4 बाय 5 हम बाहर ले लेते हैं, 0 से 5 डी एक्स। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी भी फॉर्म में है ये, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। 16 बाय 5 एक्स बाय टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, मतलब 25 बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज 5, लिमिट 0 से 5। हम लिमिट अगर पुट करते हैं तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 25 बाय 2 साइन इनवर्स 5 बाय 5 इज 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो 16 ये 5 और 25 को काटिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 20 पाई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए दो पैराबोला बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये तो बनेगा ऐसे, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये बनेगा ऐसे। तो इसमें कॉमन पोर्शन ये हो गया, हमें इन दोनों के एरिया को निकाल कर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके कॉमन पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट कितना है, आइए पहले इस पॉइंट को निकालते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y आ गया 2√x। तो आइए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x स्क्वायर बाय 4, तो हो जाएगा x की पावर 4 बाय 16 इज इक्वल टू 4x, x क्यूब इज 64। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो ये पॉइंट हो गया 4, 4, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2√x dx 0 से 4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 dx भी आ गया x की पावर 3 बाय 2 0 से 4 और ये 1 बाय 4 एक्स क्यूब बाय 3 0 से 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 16 एंड 1 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 64 बाय 3 विच इज 16 बाय 3। तो हमारा आंसर हो गया 16 माइनस 16 बाय 3 विच इज इक्वल टू 32 बाय 3 इज आर फाइनल आंसर। आज का लेक्चर पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई सुझाव है, आप हमें मेल कर सकते हैं a1tveducation@gmail.com पर। हमारे सारे पेपर्स हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, आप कोई भी पेपर देखना चाहें 2019, 18, 17, 16, 15, तो आप हमारे YouTube चैनल इन अवर्स पर जा सकते हैं। कल हम 2015 का लास्ट
पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।